अभी जस्ट कस्टमर खरीद करके लाए हैं ये ब्रांड न्यू एसी जो कि अभी पूरा का पूरा कार्टून में पैक है। कौन एसी है बराबर अक्षर में लिखा हुआ है, बोलने का तो जरूरत है नहीं, पढ़ लिए होंगे। बाकी इनको इंस्टॉल करने के लिए आए हैं प्रीसा कंप्यूटर जो कि सिमराही में है, राघोपुर थाने के पास प्रीसा कंप्यूटर है। यहाँ पे कंप्यूटर का सारा सिस्टम जो है अवेलेबल है। दुकान तो काफी लंबा चौड़ा लेकिन एसी है 1.5 टन का। भाई आप बोल रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए है ये यहाँ पर, और यहाँ पे जो इंस्टॉल करेंगे छेद करके पाइप पानी वाला कॉपर वाला निकालेंगे तो उधर शटर है, दिक्कत देगा। कार्टून से तो बाहर निकाले, इसका स्टार रेटिंग 5 स्टार का, बाकी कैपेसिटी इनका 1.5 टन का जो कि पहले भी बोल चुके हैं। बाकी इनके अंदर जो फीचर्स है वो सारा स्टिकर यहाँ पर चिपका हुआ है। 3D कूल है, 5-in-1 कन्वर्टेबल है, 10 साल कंप्रेसर पर और 5 साल PCB पर वारंटी है। BLDC मोटर लगा हुआ है इसके अंदर, कॉपर कॉयल पर कोटिंग किया गया है और बाकी 55 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये कूल करेगा। और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दिया गया जो कि हर कंपनी वाला अपने अपने एसीओ के अंदर दावा करता है। इनका इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल देखिए, ब्लू फिन्स वाला है जो कि काफी बढ़िया है। एसी के बीच में जो है डिस्प्ले दिया गया है इसमें, बाकी एसी का डिजाइन दिखने में जो है बढ़िया लग रहा है, सुंदर है। इनके कवर को खोल करके साइड कर रहे हैं क्योंकि इंस्टॉल करने में थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करेगा इसका कवर जो है। बाकी इनके अंदर का सीन देख लीजिए, इस तरह से कॉइल है और साइड में जो है कोटिंग किया गया है, ये देखिए चमक रहा है ठीक है। ऊपर ऊपर से जो है वो डब्बा वाला है वो कोटिंग आता है, उस टाइप का कोटिंग जो है मारा हुआ है ठीक है ना, इसके राइट साइड में यहाँ ये सब चीज पर। और इधर इसके लेफ्ट साइड में देखिए, ये तो बेहतरीन वाला कोटिंग किया गया, एकदम ब्लू ब्लू छटक रहा है। इस दीवार पर ऐसी नहीं लगेगा आप, जस्ट इसके बगल में ये दीवार पर लगेगा ऐसी ठीक है। पूरा का पूरा लेवल में मार्किंग कर रहे हैं। कॉपर पाइप बाहर निकालने के लिए जो छेद करेंगे इसके लेफ्ट साइड में करेंगे क्योंकि यूनियन को अंदर ही रखना है। हो गया एकदम क्लियर होल। चलिए ऐसी तो प्लेट पर रखा गया और होल देखिए जस्ट यहां से पाइप निकल के मुड़ के कनेक्ट हो जाएगा। अब हो रहा है आउटडोर यूनिट अनबॉक्सिंग, तो अब आउटडोर यूनिट को देख लीजिए, दिखने में तो आउटडोर यूनिट भी ठीक ठाक है। देखिए आउटडोर यूनिट के कंडेंसर कॉइल का फिन्स जो है बिल्कुल सादा है, ना गोल्डन है ना ब्लू है, बिल्कुल सादा है। बाकी इस तरफ से देखिए आउटडोर यूनिट को उठाने के लिए इस तरफ पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तरफ जो है कुछ होने दिया पकड़ने के लिए, ये तो मिसिंग किया यार, देना चाहिए। आउटडोर यूनिट उठा करके कहीं उठा पुटा करेगा तो कैसे पकड़ेगा लोग। और दूसरा चीज, इनके लेग सब में लगाने के लिए रबर भी नहीं दिया है, रबर भी नहीं है। एसी के साथ जो कॉपर पाइप दिया है, चलिए कॉपर पाइप तो ठीक है, उसके ऊपर जो फोम दिया है साला सालों भर टिकेगा, ये सड़ जाएगा तुरंत। और नहीं कोई टेप दिया है कि उसके ऊपर जो मारे तो टिके लंबा, ये बात तरीके है। कॉपर पाइप के फोम पर जो ये पैकिंग टेप मार रहे ताकि ये लंबा टिके थोड़ा। उधर से घुसा के तो निकाल लिए कॉपर पाइप को, जितना चाहिए उतना हम मोड़ेंगे, स्प्रिंग घुसाए हुए हैं। पाइप को बिना पंच वंच किए परफेक्ट तरीके से जो मोड़ दिए हैं, स्प्रिंग का यही कमाल होता है। फ्लेयर नट भी कस कुस का एकदम फिट कर दिए हैं, यूनिट तैयार है, बस कवर लगाना है। अब कवर लगाने के बाद इनका लुक देख लीजिए, कितना मस्त लग रहा है ये। इनके पीछे के साइड में थोड़ा कोशिश करके यू बेंड बना दिए ताकि बारिश वाला पानी जो पाइप से रिसते हुए सीधे घुस न जाए अंदर, यहीं गिर जाएगा पानी जो है। आउटडोर यूनिट को भैया जो है छते पे बोल रहे हैं ऐसे रख दीजिए, लेकिन हम ऐसे नहीं रखेंगे, नीचे फास्टनर ठोक करके जो है तब फिक्स करेंगे इनको, नहीं तो हवा हवा में उड़ी आ गया तो फिर भाई दिक्कतें हो जाएगा। इसी के चारों लेग में जो फास्टनर ठोके हैं 8 mm वाला देखिए, ज़्यादा नहीं ठोके हैं, 1-1 इंच ठोके हैं, बढ़िया से पकड़ लेगा। अब देखिए चारों फास्टनर पर रख के कस दिए, एकदम बढ़िया मजबूती हो गया। इधर पाइप भी कनेक्ट कर दिया हम, इस तरह से हो गया ठीक है, ज़्यादा पाइप पर हम जबरदस्ती नहीं किए ना तो पंच हो जाता। लास्ट में अब हम इस एसी के अंदर जो वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम करना जरूरी है, 10 से 15 मिनट जो अच्छे तरीके से हम वैक्यूम करेंगे। देखिए वैक्यूम करने के बाद आपके एसी का जो कूलिंग इंक्रीज हो जाता है, जो वैक्यूम नहीं कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, और जो जानते हुए वैक्यूम नहीं करवा रहा है एसी के अंदर वो भी गलत है, वो भी मूर्ख है। लगभग 15 मिनट जो कंप्लीट हो गया है वैक्यूम होते हुए, तो अब हम सबसे पहले मीटर को बंद करेंगे, उसके बाद वैक्यूम पंप बंद करेंगे। इस एसी के बल्ब में जो एलंकी लग रहा है 5 नंबर एलंकी लग रहा है, देखिए हल्का सा खोली डिस्चार्ज वाला को, जैसे धीरे धीरे कांटा भरा 100 से पहले 100 तक जाते जाते हम खोल लेंगे, ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो फिर गैस निकलेगा। अब इनका सेक्शन वाला बल्ब भी खोल रहे हैं। इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया, आउटर यूनिट के नीचे देखिए कितना गैप है, पानी आराम से निकल जाएगा, बरसा वाला नहीं जमेगा। एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पर जो चला दिए हैं, 5 मिनट से चल रहा है साला, कूलिंग बड़ी हार्ड है इसका, बड़ी तगड़ा वाला कूलिंग फेंक रहा है ये तो। बाकी इनके साथ जो रिमोट दिया गया है, ये इस तरह का रिमोट है देख लिए। इनके बैक साइड में जो हॉल किए हैं उनको भी व्हाइट सीमेंट से भर दिए हैं, कोई चीज़ घुसेगा नहीं उसके अंदर।